हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं सुंदर से व्यू के साथ। पहला काम जो दिन में मैं करती हूँ दैट इज मेरे कर्टन को साइड पे कर दो। सुबह सुबह ये करना सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके घर में फ्रेश सनलाइट आती है। आपके दिन की होती एक अच्छी सी नींद ही शुरुआत से, और इससे अच्छा व्यू तो आई थिंक मॉर्निंग में आपको मिल ही नहीं सकता। सुबह सुबह सूर्यदेव के दर्शन। वैसे सुबह सुबह यहाँ भी सूर्यदेव का तापमान थोड़ा सा बढ़ा था क्योंकि घर की चाबी नहीं मिल रही थी और हम हो रहे थे मॉर्निंग वॉक के लिए लेट। और फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम दूसरी चाबी लेके जा रहे हैं। एक और दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक के साथ। वॉक क्यों फोन को यूज करते हैं? सुबह की शुरुआत जब इतने सुंदर फूलों को देखो हो, कभी कभी यू फील स्पीचलेस कि मत नेचर को अगर आप इतने ध्यान से देखो, इतनी डाइवर्सिटी ऑफ कलर्स आपको दिखेगी, आपको इतने डिफरेंट शेप्स के फ्लावर्स मिलेंगे और हर फ्लावर एक डिफरेंट यूनिक है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी अपनी ही एक मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। आप समझ सकते हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सुबह सुबह ऐसा व्यू दिखे तो किसको वॉक पर जाने का मन ना करे। इस फूल को देख के तो ऐसा लग रहा था मानो ये सारी स्टेजेस ऑफ लाइफ बता रहा हो, जैसे अर्ली बर्ड्स, देन ब्लूमिंग बर्ड एंड देन फुल फ्लावर मैच्योर। कोई आ रहा है सामने से अपनी वॉक खत्म करने के बाद। अर्ली मॉर्निंग अगर आप सुबह सुबह घास पे चलती हैं तो उसकी काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो यहाँ तो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, बट आई विल एडवाइस कि सबको करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मुझे दिख जाए मैं शॉपिंग ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दीज आर माय पर्सनल फेवरेट्स। मुझे से कोई चाहे तो पूरा हफ्ता भी पत्ते वाली सब्जी खिला लो, मैं कभी भी बोर नहीं होती और मेरे हस्बैंड भी जानते हैं। तो घर पहुंचते ही किसी के लिए सरप्राइज था क्योंकि सारा का डी पॉय वहाँ पे हमारा वेट कर रहा था। तो करते हैं फर्स्ट अनबॉक्सिंग। वैसे मुझे कोई खास इंटरेस्ट इन बॉक्स भी मेरे लिए कुछ नहीं है। ये इनकी फॉर्मल पैंट और ये है ब्लेजर। वैसे मुझे अच्छा लग रहा है कलर, इन्हें पसंद आएगा पता नहीं बट मुझे अच्छा लग रहा है, चलो देखते हैं। तो फाइनली मेरी फर्स्ट अनबॉक्सिंग ख़त्म होती है। वैसे कोई मुझसे आज कल बहुत परेशान है क्योंकि रेस्टोरेंट में जाओ मैं पहले खाने नहीं देती, जब तक तो मैं शूट ना करूँ शॉपिंग जाओ, जब तक मैं शूटिंग ना करूँ शॉपिंग भी नहीं होती, तो कोई काफ़ी परेशान है, पर स्टिल मेरे से काफ़ी कॉपरेट कर रहा है इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। फिर से कोई आ गया, कभी कभी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बार बार आपकी पहली बजती रहेगी। फाइनली शाइना आ चुकी है, वो कर रही है सफाई। तब तक मैंने सोचा मैं वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। तो मैंने अपने बालकनी में ही अपना वॉशिंग मशीन का सेटअप लगाया, इससे क्या रहता है कि यहाँ पे पानी का कनेक्शन भी और इजी रहता है पानी डालना। तो ये है यहाँ पे मेरे कपड़े जो है। तो फाइनली करते काम शुरू। तो वॉशिंग मशीन मैं खुद लगा लेती हूँ, रेस्ट बाकी वो कर देती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा रिटेंशन रहता है कि बीच में से बटन प्रॉपर नहीं दबेगा मेरा। चलो मैं लगा के दे देती हूँ। लेकिन वही मेरे से हमेशा क्यों होता है, जब भी मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ उस टाइम पे लाइट चली गई और बैकअप पे जो है वॉशिंग मशीन नहीं चलती, तो वेट करना पड़ेगा जब तक लाइट आती है। थोड़े दिन से सोच रही इसको ऑर्गेनाइज करो, मैं करने का मन नहीं कर रहा था, पर डाल झगड़ा करना ही पड़ेगा, बहुत ही गंदा लग रहा है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो फाइनली अपना सारा काम समेटने के बाद टाइम था अपने बेबी बॉय से बात करने का। जब तक मासी अपने बेबी से बात न करे तो मासी का दिन नहीं बनता है क्योंकि उसकी क्यूट सी स्माइल देख के बहुत ही अच्छा लगता है।
मतलब मैं इसको लाफिंग बुद्धा बोलती हूँ कि मैंने इससे प्यारा और स्लीपी भी आज कभी नहीं देखा, जो पूरा दिन हंसता है। तो शाम को उनके ऑफिस के आने के बाद हमने कुछ पेंडिंग काम थे जो डिसाइड किया अभी कर लेते हैं, अपनी फेवरेट मार्केट। तो हम पहुंच चुके हैं कुतुब प्लाजा मार्केट, जहाँ पे छोटे मोटे से काम है तो निपटाते हैं थोड़े से काम। हम कुतुब प्लाजा जाए वहाँ जाके दाल वड़ा ना खाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत देर के बाद हमने अपना दाल वड़ा इन्जॉय किया और उसके बाद निकल पड़े छोटे मोटे शॉपिंग के लिए। होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।